भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवपुर सीट से मौजूदा विधायक मंत्री अनिल राजभर हैं, तो वहीं शिवपुर विधानसभा सीट को लेकर हमारे सहयोगी जया सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी बगावती तेवर अपनाए हुए ओम प्रकाश राजभर पे सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस समय चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विधानसभा सीट के शिवपुरी से वो चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इस समय इस पर खास बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर इस समय खुद मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार आपके कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि शिवपुर के विधानसभा सीट से इस बार आप चुनाव में ताल ठोकिए। मौजूदा विधायक वहां पे अनिल राजभर हैं, कैसे क्या आप शिवपुर से ही विधानसभा सीट पे चुनाव ताल ठोकेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की अगर चाहत है, उनकी सोच है, तो उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी। हमारे कार्यकर्ता इतने जागरूक हैं कि दो दो कार्यालय खोल करके कम से कम 150 हमारे नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं कि नेता को चुनाव लड़ाएंगे, तो उनकी भावना की कदर की जाएगी। तो मतलब ये आप पुष्टि इस खबर की कर रहे हैं कि आप शिवपुरी विधानसभा सीट से ही चुनाव में ताल ठोकेंगे? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता के भावनाओं की कदर की जाएगी, ये पुष्टि ही मानी जाए ना। अब जो आप समझ लीजिए। अनिल राजभर का भी बयान आया, अनिल राजभर कह रहे हैं कि पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानों पे ही टिके रहे, अभी वो कह रहे हैं, अभी दो दिन बाद सुनिएगा कि वो खुद ही बदल जाएंगे। देखिए, लोडर की हम क्या बात करें, लोडर अपने मालिक का जूता खाली साफ कर सकता है, मालिक के आदेश का पालन कर सकता है, हक की बात नहीं कर सकता। 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा योगी जी ने, जबान नहीं खुली, मालिक का जूता साफ करते रहे। पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, अभी बटी है, नहीं मिली, मालिक का जूता साफ करते रहे, जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जी, को कहा जा रहा है कि आपने एक विवादित बयान दिया है कि पिछड़ों की अगर स्वतंत्र देव सिंह बात करते तो कहीं ना कहीं उनका योगी आदित्यनाथ उनका जीभ काट देते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी उनका जीभ काटते? आप भी यूपी में रह के, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में रह के पिछड़ों की बात करें, क्या योगी आदित्यनाथ ने आपका कभी जीभ काटने का प्रयास किया? मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए, डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य स्टूल पर बैठाते हैं योगी जी पिछड़ी जाति का होने के नाते, और योगी जी सोफा पर बैठते हैं और उनकी पूरी टीम सोफा बैठती है। पिछड़ों के साथ यही सम्मान है? स्वतंत्र देव पटेल फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं कि तुम वहां बैठो, और अपना सोफा पर बैठते हैं, यही सम्मान है पिछड़ों का? क्या ये 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में जबान खुली, पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, और योगी जी ने खुद प्रमाणित किया? भाजपा लगातार सपा पे हमलावर है। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी उन्हें ही टिकट दे रही है जो या तो जेल में है या तो बेल पर है। और समाजवादी भाजपा की संबित पात्रा ने भी कहा कि अगर याकूब मेमन को फांसी नहीं दी गई थी तो आज भी सपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, कसाब को स्टार प्रचारक। संगीत सोम का नाम आपने सुना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कितने मुकदमे उनके ऊपर है, 325 एमएलए थे उत्तर प्रदेश में 2017 में जीत के आए, 156 मुकदमे, 156 एमएलए आपराधिक मुकदमे, 40, 50, 35, 30, 50, 60 ऐसे मुकदमे, और तो और योगी जी के भी ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। है समित पात्रा के हिम्मत, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं कि मर्द हो तो कहो कि योगी जी ने अपना मुकदमा वापस किया है। आप कितनी सीटों पे चुनावी में ताल ठोकने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो 403 सीटों पर ताल ठोक के दम मार गए, पता है गठबंधन में 400, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहने वाले, आप कितने चुनाव कितने सीटों पे ताल ठोकेंगे? देखिए, हम लगभग 14 एमएलए जीतने के लिए हम लड़ेंगे। ये इशारों में आप कह रहे हैं कि 14 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, 14 क्या लड़ेंगे, 14 एमएलए हम बनाएंगे, हमको पार्टी के मान्यता प्राप्त दल करानी है। तो मतलब इससे अधिक सीटों कितना, मतलब आप इशारों में बता तो रहे हैं लेकिन सही बता दीजिए ना कि कितने सीटों पे चुनाव में उतर रहे हैं? अभी देखिए, चौथे चरण में घोषणा हुई ना दो की, पांचवें में पूछिएगा तो उसमें बता देंगे, छठवें में पूछिएगा तो उसमें बता देंगे, सातवें में फाइनल, मतलब अभी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताएं। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर के साफ तौर पे कहना था कि देखिए, सीटों को लेकर भी हमारी चर्चा चली, जहां तक शिवपुरी सीट की है तो शिवपुरी सीट से हमारे अगर कार्यकर्ताओं की मांग है तो हम वहीं से चुनाव में ताल ठोकेंगे। कैमरा सैनिक के साथ में जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
तो तीखे बोल राजभर के हमेशा से सामने आते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते